तो भाई कस्टमर ने रात को 9 बजे की टाइमिंग दी हुई थी भाई, अभी 10 बज रहे हैं, अभी तक कस्टमर रेडी नहीं हुआ। ब्रेकफास्ट कर लिए कस्टमर ने भाई, तो अपना रोज़ा है भाई, तो अभी तक वो बाहर नहीं आए भाई। देख तो भाई अभी कस्टमर को छोड़ दिया भाई यहीं राफ्टिंग पॉइंट के पास जो टैक्सी स्टैंड है भाई, वहीं से भेज दिया, क्योंकि उनको बोला था मैं मिनी स्विट्ज़रलैंड के लिए, वहाँ के लिए उन्होंने बोला वहाँ पे नहीं जाएंगे, फिर यहीं से टैक्सी स्टैंड से उनको टैक्सी दे दी भाई, वो चला गया घूमने के लिए भाई। हम करेंगे थोड़ी देर आराम, अभी 6:15 का टाइम हो रहा भाई, अपने कस्टमर लोग घूम के आ चुके हैं, ये छोटी गाड़ी लेके, दो गाड़ियाँ लेके गए थे भाई, तो अभी आ चुके हैं ये घूम के। अभी बज रहे हैं भाई रात के 8:30, पहुँच चुके हैं वापस भाई केसर कॉटेज में, यहाँ पे ये लेंगे ये लोग कासे केसर ड्राई फ्रूट वगैरह, उसके बाद निकलेंगे भाई सीधा हाउस बोट में, कहीं सैरी का भी इंतज़ाम करना है भाई, तो साथ में छोटी छोटी बारिश लगी, अभी हम तरपाल भी डालेंगे लगेज के ऊपर भाई, तरपाल बहुत ज़रूरी, लगेज गीला हो जाएगा भाई, छोटी छोटी बारिश गिर रही है भाई। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब भाई, उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे, आपकी दुआओं के साथ हम भी खैरियत से हैं। तो भाई अभी हम राफ्टिंग पॉइंट से 1 से 1.5 किलोमीटर पहले होटल रॉयल विला रिजॉर्ट है भाई, तो इसी में नाइट स्टे थी भाई, तो अभी अब रेडी हो चुके हैं हम भाई, बाहर निकले थोड़ा वीडियो शूडियो बना, बाकी होटल ना बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा होटल है भाई, तो रात को नाइट स्टे यहीं पे थी भाई, रात को 9:30 10 बजे पहुंचे थे यहाँ पे भाई, नाइट स्टे यहीं पे थी। आज पहलगाम का लोकल साइट सीन करवा के उसके बाद जाना है भाई श्रीनगर, हाउस बोट में नाइट है भाई, तो बाकी अभी हम रेडी हो चुके हैं भाई, कस्टमर लोग आएंगे फिर निकलेंगे यहाँ से भाई श्रीनगर। तो भाई कस्टमर ने रात को 9 बजे की टाइमिंग दी हुई थी भाई, अभी 10 बज रहे हैं, अभी तक कस्टमर रेडी नहीं हुआ, ब्रेकफास्ट कर लिए कस्टमर ने भाई, तो अपना रोज़ा है भाई, तो अभी तक वो बाहर नहीं आए भाई, देखते हैं कितनी देर में क्या निकलेंगे बाहर। आज इनका पहलगाम का लोकल साइट सीन है, उसके बाद नाइट स्टे वापस श्रीनगर में है भाई, तो बाकी देखते हैं कितनी देर में यहाँ से निकलेंगे। को बोला मैंने भाई मिनी स्विट्ज़रलैंड और बाईसरन, तो 3 जगह वो भी है, वो 3 जगह गाड़ी से और वो घोड़े से, बाकी देखते हैं क्या रहेगा भाई, तो अभी कस्टमर बाहर आएगा फिर निकलेंगे यहाँ से भाई। तो बाकी होटल लाइन का राफ्टिंग पॉइंट से भी पहले 1 से 1.5 किलोमीटर राफ्टिंग पॉइंट से भी पहले ही है भाई, यहाँ पे होटल का नाम है भाई रॉयल विला रिजॉर्ट के नाम से भाई, ये राफ्टिंग पॉइंट से पहले ही है होटल भाई, रॉयल विला रिजॉर्ट होटल, ये देख लो भाई। तो रात को यहाँ पे पहुँचे थे भाई हम, कम से कम 9:30 के करीब करीब पहुँचे थे यहाँ पे भाई, अफ्तारी तो हमने रास्ते में ही की थी भाई बनिहाल में, तो उसके बाद आ गए थे भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे रात को नाइट स्टे किया। आज इनका नाइट स्टे हाउस बोट में भाई श्रीनगर में, ये देख लो ये था होटल इस तरह का कुछ। तो भाई अभी कस्टमर को छोड़ दिया भाई यहीं राफ्टिंग पॉइंट के पास जो टैक्सी स्टैंड है भाई, वहीं से भेज दिया, क्योंकि उनको बोला था मैं मिनी स्विट्ज़रलैंड के लिए, वहाँ के लिए उन्होंने बोला वहाँ पे नहीं जाएंगे, फिर यहीं से टैक्सी स्टैंड से उनको टैक्सी दे दी भाई, वो चला गया घूमने के लिए भाई। हम करेंगे थोड़ी देर आराम, तो उसके बाद वो घूम के आएंगे वापस, फिर निकलना है यहाँ से भाई श्रीनगर के लिए, बाकी रही गाड़ी सब लगी रख लिया अंदर इन्होंने भाई, निकल गए सब लोग घूमने के लिए, तो अभी करते हैं भाई हम आराम, फिर जब घूम के आएंगे वापस फिर निकलेंगे यहाँ से श्रीनगर की ओर, बाकी मिलते हैं भाई। भाई अभी हो रहे 4:10, तो हम सोए हुए थे भाई, अभी जाके थोड़ा फ्रेश होके आए भाई, तो अभी तक कस्टमर लोग वापस नहीं आए भाई, घूमने के लिए गए चंदनवाड़ी, आरू वैली और बैता वैली, 3 जगह घूमने के लिए गए, टैक्सी स्टैंड से गाड़ी लेके गए भाई, अभी तक वापस नहीं आए भाई। हम अभी उठे, मैंने बोला 10 मिनट फ़ोन अपना चार्जर लगाएंगे, साथ में वीडियो शीडियो बनाएंगे, बाकी भाई मौसम भी ना ऐसा कुछ ख़राब जैसा मौसम लग रहा है भाई, बारिश का मौसम बना हुआ भाई, हो सकता है कहीं बारिश ना आ जाए, बाकी देखते हैं किस टाइम में कस्टमर आएगा भाई। अभी 6:15 का टाइम हो रहा भाई, अपने कस्टमर लोग घूम के आ चुके हैं, ये छोटी गाड़ी लेके, दो गाड़ियाँ लेके गए थे भाई, तो अभी आ चुके हैं ये घूम के निकलेंगे यहाँ से भाई श्रीनगर की ओर। अभी बज रहे हैं भाई रात के 8:30, पहुँच चुके हैं वापस भाई केसर कॉटेज में, यहाँ पे ये लेंगे ये लोग कासे केसर ड्राई फ्रूट वगैरह, उसके बाद निकलेंगे भाई सीधा हाउस बोट में, ये देख लो भाई ये लीतपुरा NH 44 के सामने ही है भाई, तो ये लोग सब लोग अंदर गए हैं भाई, ले रहे हैं केसर शेसर भाई, जो कुछ भी लेने को लेना होगा इनको, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से भाई सीधा हाउस बोट की ओर, ये देख लो भाई केसर कॉटेज,
मस्त प्यारी सी दुकान है भाई। तो ये रही अपनी गाड़ी, अभी लेंगे ये लोग यहाँ से, फिर निकलेंगे यहाँ से सीधा हाउस बोट में। नाइट है भाई, कहीं सैरी का भी इंतज़ाम करना है भाई। तो साथ में छोटी छोटी बारिश लगी, अभी हम तरपाल भी डालेंगे लगेज के ऊपर भाई, तरपाल बहुत ज़रूरी, लगेज गीला हो जाएगा भाई। छोटी छोटी बारिश गिर रही है भाई, देखते हैं क्या रहेगा।